नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और अलग दिखने वाला नाश्ता। देखें कितना बढ़िया दिख रहा है, तो इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस नाश्ते को। मैंने यहाँ पे बाउल में एक कटोरी मैदा ली है, इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। आप अजवाइन की जगह जीरा या कलौंजी, जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। साथ में नमक डाल देंगे और 3 छोटी चम्मच हम डालेंगे रिफाइंड। तो ज़्यादा रिफाइंड हमें नहीं डालना है, बस इतने कम ही हम रिफाइंड डालेंगे, इसको हमें कंबाइन नहीं करना है। और पानी की सहायता से हम इसका डो लगा लेंगे, और डो को ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, ना ज़्यादा मुलायम बनाएंगे, ये मॉडरेट रहेगा, या फिर जैसे पराठा के लिए लगाते हैं ठीक उसी तरह। और इसे मसल मसल कर हम चिकना कर लेते हैं, और डो को हम रख देते हैं साइड। अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, पैन में हम 1 चम्मच रिफाइंड डालेंगे, तो इसमें आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। साथ में हम डाल देंगे जीरा 1/2 छोटी चम्मच, और जीरा हमारा हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे हरी मिर्च से बनाया है। अब हम साथ में डालेंगे बेसन। तो आलू को कंबाइंड करने के लिए हमने बेसन का उपयोग किया है, और बेसन से इसमें फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो 1 कटोरी आलू में हमने 2 चम्मच बेसन का उपयोग किया है। अगर आप आलू ज़्यादा लें तो बेसन की मात्रा भी ज़्यादा लें। और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक हम बेसन को भूनेंगे, इससे अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, इसका कच्चापन हम दूर कर लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, और हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और मसालों को भी 2 मिनट के लिए साथ में चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ आलू, आलू को भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें हमें मैश किया हुआ आलू नहीं लेना है, बारीक कद्दूकस करके ही आलू को हमें लेना है। अब आलू और बेसन को हम अच्छे से भून लेंगे। और इसे हमने भून लिया है, तो उसे 3 मिनट में ही भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अमचूर पाउडर से इसमें। और मसाले को हम इसी तरह भून कर तैयार कर लेते हैं। मसाला हमारा भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इस गैस को बंद कर देंगे। स्टफिंग को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे हाथों से लोई बना लेंगे। तो छोटी छोटी हमें इसकी लोई बनाना है, तो बिल्कुल अंडा आकार की हम इसकी लोई बनाएंगे, हल्का सा इस तरीके की। और सारी लोई हमें इसी तरह से बनाकर तैयार करना है। हाथों से मसल लेंगे और हल्का सा अंडा आकार का शेप दे देंगे। अब जो मैदा रखी थी उसे हम एक बार मसल लेंगे। मसलने के बाद हम इसकी एक लोई बना लेंगे, और लोई को तेल लगाकर या फिर मैदा लगाकर हम बेल सकते हैं। आप इसे मैदा की जगह गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और लोई को हमने बेल लिया है, तो चारों किनारों को हम काट लेंगे। अब हम इसकी चौड़ी चौड़ी पट्टियां बना लेंगे। तो जिस हिसाब की हमारी स्टफिंग होगी उस हिसाब की हम पट्टियां बनाएंगे।
और स्टफिंग को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और रोल कर देंगे। स्टफिंग को हमें बाहर निकला नहीं देना है, बस ये अंदर ही रहेगी और ये तलने पर अपने आप ही बाहर की ओर दिखने लगेगी। और अब हम इसमें लास्ट में पानी लगा देंगे और अंगूठा से प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए, और एक लौंग हम इस तरह से लगा देंगे। ये तलने पर बिल्कुल नहीं खुलेगी, बहुत ही बढ़िया दिखेगा ये। बाकी के भी हम इसी तरह से बनाते हैं और इस तरह से इसको रोल कर लेंगे, लास्ट में पानी की सहायता से इसे चिपका देंगे और एक लौंग लगा देंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में भी उतना ही टेस्टी बनेगा ये। और ये रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। और रिफाइंड हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो गर्म रिफाइंड में हम इसे डाल देंगे और आँच को हम मीडियम ही रखेंगे और इन्हें तल लेंगे। और जब तक तलेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए या फिर हल्के गोल्डन ना हो जाए। और देखें बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, थोड़ा सा कलर और आने देते हैं और इन्हें निकालेंगे एक प्लेट में। तो बहुत ही अलग दिखने वाला नाश्ता बनकर हमारा तैयार है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें रेसिपी को, और फिर से मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ।